असलम मेरा नाम उस्मानी है बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर कोरोना वायरस में पाकिस्तान क्या करे इसमें बहुत सारी पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज हम बात करते हैं शुरू करते हैं बात वायरस के साथ कि कोरोना वायरस है क्या ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं है ये 1960 से चल रहा है इसकी एक ही फैमिली है और ये अपनी जहत बदल रहा है इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो नई से नई टाइप्स की आ रही होती है आपने सार्स का नाम सुना होगा सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ये भी कोरोना वायरस की फैमिली से आपने मर्स का नाम सुना होगा मिडिल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ये भी इसी फैमिली के uh, फैमिली के अंदर अब जो नया वायरस आया जिसे हम नोवल कोरोना कहते हैं उसको कोविड नाइन्टीन ये वायरस है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं ये वायरस वहाँ चाइना से आया जनवरी के अंदर और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया अभी करीबन दो लाख अठहत्तर हज़ार लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको ये वायरस लग चुका है तकरीबन ग्यारह हज़ार पाँच सौ से ऊपर डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस की डेथ इबोला की डेथ से ज़्यादा हो गई हैं यानी इबोला वायरस ने चार साल में जितने लोगों को ख़त्म किया कोरोना वायरस उससे ज़्यादा लोगों को मार चुका है सिर्फ तीन महीनों के अंदर और दुनिया के एक सौ छियासठ मुल्कों के अंदर यह वायरस फैल रहा है ये वायरस पे अगर आप देखें कंट्रीज़ का रिस्पांस देखें पाकिस्तान का रिस्पांस देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी पांच-छह स्टेजेस हैं जिसके ऊपर रिस्पांस करती हैं पूरी पूरी कौम अकवाम या नेशंस तो पहली स्टेज हमेशा डिनाइल की होती है बंदे बोलते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता तो दुनिया में आ रहा है हमारे पास थोड़ी है ये तो चाइना के अंदर वुहान में आया क्योंकि वो बेट्स खाते हैं बाकी खाते हैं हमारे पास नहीं होगा हम लोग मुसलमान साफ सुथरे लोग हैं हमारे पास नहीं होगा और ये स्टेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है दूसरी स्टेज में क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर कुछ केसेस आए जाते हैं तो तमाम दावे थे कि मुसलमानों को नहीं होगा हम लोगों को नहीं होगा हमारे लिए नहीं बनाया हमारे मुल्क तक नहीं ही पहुँचेगा वो सारे के सारे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं आपको उन लोगों को ढूंढे और उनसे बोले कि जी आपने मीडिया पे आके एक हाथाप क्या हो रहा है फ्यू लेकिन फिर भी हम डिनाइल के अंदर होते हैं हम लोग बोलते हैं कि ठीक है कुछ होगा केस ये लोग आए होंगे इन्होंने कुछ गलत खाया होगा कोई ट्रेवल कर आए होंगे हमारे माशेरे में नहीं फैलेगा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तीसरी स्टेज में स्टेज में कुछ और केसेज कुछ लोगों आ, की डेथ भी हो जाती है उस सूरत में फिर हम आगे बोलते हैं कि ठीक है फ़ला इलाके के अंदर है हमारे पास तो नहीं है ना तो बलोचिस्तान पे आया है ताफ्तान बॉर्डर के अंदर आया है सखर के अंदर आया है तो मैं इस्लाबाद में मुझे क्यों परेशान हूँ मैं तो शेखोपुरा में रहता हूँ मैं तो गुजरावाला में रहता हूँ मैं तो फैसलाबाद में रहता हूँ या तो अभी तक तो कोई भी केस नहीं आया है, तो मैं इसकी परवाह क्यों करूँ और ये जो बेवकूफ़ी का जिसको मैं ऑडिसिटी ऑफ फॉल्स होप कहता हूँ इसका जो रहता है चौथी स्टेज पे हमारे पास आते हैं अब हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं हमारे पास डेथ भी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर हम लोग आके बोलते हैं कि जी घबराना नहीं है इस वक्त हम चौथी स्टेज के अंदर नहीं है लेकिन घबराने की बात है और हम आगे बात करेंगे आ, इसी सीरीज के अंदर पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे वायरस की प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है और बात करेंगे कि पब्लिक को क्या करना चाहिए तो बारह चौथी स्टेज आती है घबराना नहीं उसमें है कि उसमें बोलते हैं कि ठीक है कुछ इलाकों में आ गया वहां पर हमने क्वारंटाइन जोनस बना दिए और क्वारंटाइन जोनस में लोग रहेंगे और वायरस आगे स्प्रेड नहीं करेगा और हमें कोई भी जरूरत नहीं है कंट्री को लॉकडाउन करने की अच्छा पांचवीं स्टेज आती है जिसमें पांच लॉकडाउन हो जाता है बहुत सारे केसेज आ जाते हैं और कोई शहर कोई सूबा इस तरह नहीं बचता जहाँ पे केसेस ना आ रहे हो अब सबके सब लोग वरी करते हैं अब वो बोलते हैं ठीक है रेड जोन्स बना दो पार्शल लॉकडाउन कर दो रोड्स ब्लॉक कर दो ट्रेनें बंद कर दो गाड़ियाँ बंद कर दो सारी चीज़ें बंद कर दो और छठी जो स्टेज आती है उसमें पूरा का पूरा सिस्टम कलेप्स हो जाता है हमारे पास जो लोग क्वारंटाइन में होते हैं वो क्वारंटाइन से फरार हो जाते हैं छोट छोड़ छोटे के भागते हैं पाँचवीं में भी शुरू हो जाते हैं उसके अलावा जो लोग लो जिनको सिम्टम्स होती है जिसको भी नज़ला फ्लू होगा वो समझेगा मुझे कोरोना हो गया है तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और हॉस्पिटल के सिस्टम्स को चौक कर देगा क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे तरीज़ से मौजूद ही नहीं है और पूरी की पूरी कंट्री कलेप्स कर जाएगी जिस वेंटिलेटर के ऊपर आपको छठी स्टेज पे कंट्री को डालना होगा ना मुल्क को वो वेंटिलेटर भी हमारे पास नहीं है इसके ऊपर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सी आ, की आ, वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं क्या ज़रूरत है और कितनों की कम से कम हमें ज़रूरत है और हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पावर है कि इस चीज़ को सस्टेन कर सके नहीं कर सके बहरहाल बात हम वायरस कर रहे थे इसमें छः स्टेजेस होती हैं पाकिस्तान अभी तीसरी चौथी स्टेज के ऊपर है अल्लाह ना करें हमें पाँचवीं छठी स्टेज पर आना पड़े लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स है ये हमें तेज़ी से उसी स्टेज की तरफ आगे ले जा रहा है हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो वायरस बहुत कम है नंबर ही हमारा इतना लो है दुनिया में चालीस हज़ार हो गए अजीना में अस्सी हज़ार हो गए पाकिस्तान में पाँच सौ तीस तो हैं पाँच सौ तेरह तो हैं फ़र्क क्या पड़ता है लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ता है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है ये वीडियो नहीं है ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ ना ही मैं कोई फ़केही हिसाब से बात करूँगा क्योंकि मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ तो मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस भी नहीं दूँगा मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ जो डेटा देखता हूँ उस डेटा के जो मॉडलिंग करता हूँ उसके हिसाब से हम बात करते हैं पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हो रही इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है जो आर टी पी सी आर फैसिलिटीज़ होती हैं रियल टाइम पी सी आर फैसिलिटीज टेस्ट करने के लिए वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो अवेलेबल नहीं है आपको लगता है कि तफ्तान बॉर्डर के अंदर हमारे पास आर टी पी सी आर की फैसिलिटी मौजूद होगी ज़्यादा बातें जो स्वेब्स लेते हैं नोज से या थ्रोट से वो कराची या किसी और शहर भेजे जाते होंगे उस पर अच्छा खासा टाइम लगता है वो कितने अरसे में पहुँचते हैं पहुँचने तक तक सैंपल कारामद रहता ही नहीं रहता है लेब टेक्नीशियन की क्या काबिलियत है क्या एक्सपीरियंस है कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं ये सारी अलग बात है उसके बावजूद भी अगर हम टेस्टिंग देखें तो पाकिस्तान ने अभी तक तीन हजार चार सौ दस टेस्ट परफॉर्म किए जिसमें से 513 से ऊपर तकरीबन पॉजिटिव टेस्ट आए तो हमारे पास जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो लोग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उनकी जो फ़ीसद है वो 15 फ़ीसद है यानी जितने लोगों को हमने टेस्ट किया है उसमें से 15 फ़ीसद लोग पॉजिटिव आए हम बात करते हैं दुनिया में टू परसेंट है वायरस का ये एक अलग बात है ये हम प्रडिक्शन में मजीद इसमें डिटेल में बात करेंगे कि दो परसेंट बात सही है या नहीं है और कितने मुल्कों के अंदर किस तरीके से और किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है तो पाकिस्तान ने अभी तक तो तीन हज़ार चार सौ दस टेस्ट परफॉर्म किए और उसके अंदर से पंद्रह फ़ीसद लोग पॉजिटिव आए अब दुनिया की अगर एवरेज देखें तो दुनिया के जो एक सौ छियासठ मुल्कों में आया उन मुल्कों में बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एवरेज पाँच सौ सत्तर टेस्ट हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की एवरेज पंद्रह टेस्ट हैं पर मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ पंद्रह हमने सिर्फ पंद्रह टेस्ट किए हैं एक मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर वर्ल्ड की ग्लोबल एवरेज पाँच सौ सत्तर की है हम बात करते हैं साउथ कोरिया की जो साउथ कोरिया में कंटेन हो गया साउथ कोरिया ने तीन हज़ार छः सौ बयानवे टेस्ट परफॉर्म किए हैं पर मिलियन के ऊपर हम बात करते हैं चाइना की चाइना ने दो हज़ार आठ सौ बीस टेस्ट परफॉर्म किए हैं पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अमेरिका आजकल 16000 टेस्ट परफॉर्म कर रहा है दिन के सिर्फ न्यूयॉर्क 7000 टेस्ट परफॉर्म कर रहा है हमने पूरे मुल्क के अंदर 220 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अभी तक 3410 टेस्ट परफॉर्म किए हैं जैसे हम ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये फैसिलिटी हमारे पास होंगी या नहीं होंगी जो भी होगा तो ये नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे हम बात करते हैं इंडिया में नंबर्स लो हैं इंडिया का भी ये हाल है इंडिया में छः सौ डिस्ट्रिक्स हैं छः सौ छत्तीस में उसने सिर्फ सिर्फ बहत्तर डिस्ट्रिक्स के अंदर चौदह टेस्ट परफॉर्म किए हैं अब बताएं एक अरब से ऊपर की आबादी का मुल्क और चौदह टेस्ट तो कुछ भी नहीं है इसीलिए नंबर कम है जैसे नंबर जम्बावे में खाली एक केस है इसका भी मतलब नहीं कि जम्बावे के अंदर लोग इस वायरस से इंपेक्ट इसका मतलब सिर्फ उसी कि वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है या टेस्ट जो है वो उसको किया नहीं जा रहा इस वायरस के ऊपर बात करते हैं तो इस वायरस के अंदर हमारे पास चार स्टेजेस आती हैं इसकी कंटेनमेंट स्टेज के अंदर पहली आती है, है डिटेक्शन के लिए उसमें आप टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मल कैमरेज आपने लगाए हुए होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर बॉर्डर्स को आप सील कर देते हैं कि लोग ना आ सकें फिर दूसरी होती है ट्रीटमेंट के ऊपर उसके ऊपर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिटेल के ऊपर बात करेंगे फिर आती है फाइंडिंग अ क्योर के ऊपर कि हम क्योर फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और प्रोडक्शन के ऊपर और सिवाय डिटेक्शन के बाकी तमाम तीनों स्टेजेस में हम पाकिस्तान में इस ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं ना ही कोई काम ट्रीटमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे पास फाइंडिंग और क्योर तो वो हमने गोरों के ऊपर छोड़ा हुआ है कोई बना के हमें देंगे हम तो कुछ नहीं करेंगे और आखिरी ये प्रोडिक्शन का उस उसमें भी कोई काम इतना खातिर खुआ कोई काम नहीं हो रहा है और आगे इस सीरीज़ में मजीद उसके ऊपर बात करेंगे हम पी खिलाड़ियों को मिलियंस देते हैं और कोई ए में पी करके आएगा तो उसको नब्बे की जॉब देते हैं जब क्योर का आता है कोई फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं है कोई लेब उसके पास नहीं है तो क्योर आपको कहाँ से देंगे बंदे जिनके पास वो रिसोर्स हमने पहले से प्रोवाइड नहीं की ना इट्स टू टू लेट अगर हम बोलते हैं जी हम प्रोपोजल निकालेंगे और अच्छी सी को ग्रांट देगा कोई और ग्रांट देगा तो ये काम बड़ा बड़ा, बड़ा मसले वाला है इतने आराम से हो नहीं सकता इट टेक्स ईयरस तो अभी हम दो दिन के अंदर दो हफ्ते की बात नहीं कर सकते और अभी जो प्रॉब्लम हमें सर दस्त है ये हम जो बात कर रहे हैं वो बात होनी है अगले दिनों के अंदर अगले हफ्तों के अंदर एक आध महीने के अंदर तो स्टूडेंट बहरहाल इस, इस वीडियो पर हमने बात की वायरस के ऊपर वायरस जूनोटिक है यानी कि एनिमल टू ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस के अंदर अभी तक तो साइजान कह रहे हैं कि शायद ये बैट्स या पेंगोलिन से आया है लेकिन इंटरमीडियरी भी बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता आ, ये वायरस सार्स और मर्स फैमिली का है कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है हमने बात की छः स्टेजेस होती हैं जिस तरीके से मुल्क रिस्पॉन्स करते हैं हमने बात की कि पाकिस्तान में नंबर कम क्यों है और उसकी वजह ये थी कि हमने अभी तक टेस्टिंग इतनी ज़्यादा लोगों की नहीं की है वीडियो लंबी हो गई है अगली वीडियो के ऊपर मजीद बात करेंगे मेरी बातें सुनने का शुक्रिया आप सबका जिशान उस्मानी